हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी मेरी के बजाज लाइफ के गारंटेड इनकम गोल यानी कि जीआईजी प्लान के बारे में रहेगी। अगर दोस्तों क्या हो, अगर आपने ये प्लान अपने लिए सोच रहे हो और आप ये ऐसा सोच रहे हो कि मेरे को आज से 20 साल बाद में इस प्लान के अंदर 50 लाख की मेच्योरिटी भी चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि क्या मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा, यानी कि इस प्लान के अंदर मैं कितने टाइम के लिए पैसा क्या जमा करूं जिससे कि मेरे को पैसा भी कम पे करना पड़े, बीमा कवर भी ज़्यादा मिल जाए और जो मेच्योरिटी वो सेम 50 लाख की रहेगी। यानी समझ गए ना दोस्तों, यानी कि किस तरह से आप इस प्लान को परचेज करें, किस प्लान में आपको पेमेंट भी कम करनी पड़ेगी और बीमा कवर भी क्या है कि आपको क्या ज़्यादा मिल जाएगा और मेच्योरिटी आपकी सेम आज से 20 साल बाद 50 लाख रहेगी। तो ऐसा ही मैं आपके लिए क्या है कि एक स्पेशल वीडियो आज के प्लान में बताऊंगा कि आपको 20 साल बाद में सेम प्लान है, सब कुछ वही है, कि किस तरह की पीपीटी यानी पेमेंट टाइप आप चूज करिए, कितना प्रीमियम चेंज करिए जिससे कि आप बीमा कवर भी आपको ज़्यादा मिल जाए और पैसे भी आपको क्या है कि कम पे करना पड़े और मेच्योरिटी भी आपको क्या है कि पूरी की पूरी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों क्या है कि स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। दोस्तों स्पेशल जो मेच्योरिटी मैंने प्लानिंग बता दी है वो रही थी तो 50 लाख की। 50 लाख कब चाहिए, आज से 20 साल बाद हमें क्या कि 50 लाख प्लानिंग कर रहे हैं। अब कोई भी प्लान दोस्तों हम जब खरीदेंगे ना तो हमें एक पता होना चाहिए कि हमें उस प्लान के अंदर देखो क्यों खरीदते हैं, बीमा कवर हमें क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए इसके लिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हम परिवार की फाइनेंस वो सिक्योरिटी के बारे में भी सोचते हैं। तो आज वही दोस्तों मैं आपके सामने दो चीज़ें स्पेशल डिस्कस करूंगा। एक जो हमें क्या कि 20 साल बाद मेच्योरिटी मिलेगी उसमें जो पेमेंट हमें करनी है वो करनी है 12 साल के लिए। दोस्तों 12 साल के लिए पेमेंट अगर करनी है तो पहले साल हमारी किस्त रहेगी दोस्तों वो 1,73,520 रुपये, यानी पहले साल हमें कितनी किस्त पे करनी पड़ रही है 1,73,520 रुपये। और ये क्या है कि दोस्तों बीमा अलग है वो सॉरी ये इसमें कह रही है दोस्तों पहले साल से जो जीएसटी रहेगी वो आपकी क्या है कि अलग रहेगी। जीएसटी और राइडर मैंने ऐड नहीं किया, एक आपको पूरा प्रीमियम का ही मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों जैसे ही इस प्लान के अंदर क्या रहेगा कि अब दोस्तों क्या है कि 1,73,000 रुपये 1,73,520 रुपये में पे करनी है और कितने दोस्तों पे करनी है 12 साल के लिए। 12 साल में टोटल हम 20,82,114 रुपये दे देंगे और हमें इस प्लान के अंदर गारंटेड मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे 50 लाख रुपये। अब जैसे ही दोस्तों क्या है कि आप यहाँ पे 1,73,520 रुपये पे करोगे तो आपका जो बीमा कवर हो जाएगा वो 17,35,200 रुपये आपका क्या है कि यहाँ पे बीमा कवर है वो हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है सेम प्लान है वही, इसके अंदर दोस्तों पीपीटी क्या रखनी है हमें, मैंने जो पेमेंट टाइम लिया है वो लिया है दोस्तों मात्र और मात्र 5 साल के लिए। इसमें तो पेमेंट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी मात्र और मात्र 5 साल के लिए। अब वही दोस्तों क्या है कि प्लानिंग हमारी क्या है कि आज से 20 साल बाद हमें तो हमें 50 लाख रुपए चाहिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो हमारी पहली किस्त बनेगी वो बनेगी दोस्तों 3,67,312 रुपए की। और ये 3,67,312 रुपए हमें कितने साल के लिए पे करनी है, मात्र और मात्र है 5 साल के लिए पे करनी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमें पेमेंट ऑप्शन लिया है वो लिया है दोस्तों मात्र और मात्र 5 साल के लिए। और 20वें साल और यहाँ पे 20वें साल इस प्लान में क्या रहेगा, हमें गारंटेड वो मिल जाएंगे वो 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब दोस्तों यही दोनों में बहुत बड़ा अंतर आता है। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे आप टोटल क्या कि 18,36,560 रुपए पे कर रहे हो और आपको कितने रुपए मिल रहे हैं 50 लाख रुपए। इस प्लान के अंदर क्या रहेगा दोस्तों, 20,82,114 रुपये आप 12 साल में पे कर रहे हो, कितने रुपये मिल रहे हैं वही सेम 50 लाख रुपए। लेकिन मैंने आपको बताया इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर हम इस प्लान के अंदर अगर 1,73,520 रुपये की जब किस्त पे करते हैं तो बीमा हमें क्या मिलता है कि जितना हमने प्रीमियम पे किया उससे 10 गुना बीमा हमें मिलेगा, तो वो मिला है 17,35,200 रुपये का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा कि आपको जैसे ही आप 3,67,312 रुपये का किस्त देते हो तो आपको जो बीमा पर मिलेगा वो 37,73,120 रुपये का यहाँ पे बीमा कवर है वो मिलेगा दोस्तों। तो आप इसमें पाओगे दोस्तों कि आपने यहाँ पे 12 सालों में 2,45,584 रुपये ये तो क्या है कि आपने ज़्यादा पे कर दिया है और इस प्लान के अंदर, और यहाँ पे आप 5 साल वाले में कम टाइम के लिए एक तो पैसा पे कर रहे हो और पैसे भी कम जमा करा रहे हो और बीमा कवर भी आपको जो मिल रहा है वो 13,68,272 रुपये का बीमा कवर है वो ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों। तो
तो ये थी दोस्तों आज दोनों की कंपैरिजन वीडियो। बाकी बजाज अलाइज के कुछ प्लानों की वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किस तरह से आप पेमेंट ऑप्शन और भी रहते हैं इसके अंदर चूज कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने क्या है दोस्तों स्पेशल आपके मात्र और मात्र समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर आपकी थोड़ा प्रीमियम अगर आपके पास कम है और लॉन्ग टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या है कि आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन 1,73,000 किस्त वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आप मेच्योरिटी 50 लाख रुपए ले सकते हैं। लेकिन आप सोचते हो कि मैं तो पेमेंट कम टाइम के लिए कर दूंगा लेकिन मेरा बीमा कवर ज्यादा चाहिए, यानी कि आपको बीमे की रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है अगर आप प्रीमियम एक अच्छा खासा पे कर सकते हो तो तब क्या है कि आप हमें लिए 5 साल वाली पीपीटी वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। मेच्योरिटी सेम दोनों के अंदर है 5 लाख रुपए की। बाकी वीडियो कैसी लगी जो